बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राहिल शेख, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रास मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज आप लोगों को जो फर्नीचर दिखाने वाले हैं उसका कलर जो है वो चेंज किया गया, उसकी बॉडी जो है वो चेंज की गई है ब्लैक कलर के अंदर। ये कलर पहले बनाया गया ब्राउनिश शेड, जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मांग, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके आपने ऑर्डर दिए। आज जो है वो लोगों ने कहा कि कलर चेंज करके भी दिखाएं, तो इसका कलर चेंज करके लेके आए हैं। इस सेट को जाफरी वाला सेट हम लोगों ने नाम दिया है और डबल शीट के ऊपर ये पूरा सेट बना हुआ होता है। आज हमारे साथ ताहिर भाई नहीं है, हमारी वीडियोस थोड़े दिन से स्किप हो रही है, तो अभी कुछ मसरूफियात के बिना पर चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो अभी बना नहीं पा रहे हैं। तो आगे वीडियो के अंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे तनवीर भाई, ताहिर भाई के जो हैं ये बड़े भाई हैं, इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे तमाम चीज़ों की डिटेल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राहिल भाई, खैरियत से? करम है तनवीर भाई। पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह जो साइड अभी हम दिखा रहे हैं, जो बैकग्राउंड पे हमारे आ रहा है, इस साइड से कैसा रिस्पांस है? अस्सलाम राहिल भाई, माशाल्लाह इस बैटन सेट का तो रिस्पांस माशाल्लाह आप जानते हैं कैसा मिला है, ये आपके व्यूज भी बता दिया होगा आपको कि जैसे व्यूज आए वैसे इसके जो है कस्टमर भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। इस बैटन सेट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो ये हम उसी बेडरूम सेट में दूसरा कलर लेके आए और थोड़ी सी और जिद्दत इस पर करके लेके आए, ठीक है, ठीक है। तो सर आप करें, ये देखें राहिल भाई, ये बेड है इसका, ठीक है जी। इस बेड पे जो है ना हमने लेमिनेशन का काम किया हुआ है, ठीक है जी, लेमिनेशन का काम किया हुआ है। पहले वाले बेडरूम सेट में टोटल लेमिनेशन का काम था, लेकिन इसके अंदर जो गोल्डन कलर की जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमने एक्रेलिक इसमें यूज करी हुई है, मतलब जाफरी तो है ही है, उसका जो बैकग्राउंड है वो एक्रेलिक का है, ठीक है, एक्रेलिक का यूज किया हुआ है। अच्छा ये चीज भी बता चलूं कि राहिल भाई इसके कलर की कोई कैद नहीं है, कस्टमर अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर बॉडी का एक्रेलिक का भी ले सकता है, कोई सा भी कलर अंदर एक्रेलिक का भी ले सकता है। कुशन 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 की भी कोई कैद नहीं है, कलर की कोई कैद नहीं है कुशन, ठीक है जी, ठीक है, क्वेश्चन की भी कोई कहनी है। अच्छा ये जो बेडरूम सेट है ना हमारा, हर वीडियो में बताया जा रहा है, फिर मैं आपको बताऊं, ये हमारा पूरा बेडरूम सेट डबल शीट के नाम से मशहूर है, डबल अच्छा, ट्रिपल शीट अच्छा, डबल ट्रिपल शीट, ठीक है, डबल शीट का बेडरूम सेट बना हुआ है, ठीक है जी। मैं अभी आपको पल्ले खोल के दिखाऊंगा, इस बेड पे क्या समझाऊं आपको, मैं जब पल्ले खोल खोल के दिखाऊंगा, दराजे खोल खोल के दिखाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा डबल शीट और ट्रिपल शीट किसे कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा तनवीर भाई, ये इसका साइज हमारा वही है 6.5 का जी। लाइव में देखे हम जो वीडियो में दिखाएंगे भले है ना इससे छोटा साइज क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन हम जो बेडरूम सेट कस्टमर को मुतालिब कराएंगे ना वो 6.5 का ही है, ठीक है, अगर भले छोटा क्यों ना हो, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज ना उसी की वीडियो है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा आपने ये बेड जो दिखा दिया जी, अब हमारे व्यूअर्स को जरा साइड बोर्ड भी इसका दिखाते हैं, साइड पहले तो मैं आपको दिखाऊं इसकी पट्टियां जी। राहिल भाई देखे ना पट्टियां कितनी मोटी है जी, ठीक है जी, पट्टियां कितनी मोटी है, इसके डबे दिखाओ, डबे कितनी मोटी है, ठीक है जी, ये डबे 8 गेज के डबे हैं, 8 गेज की, और पट्टी देखे कितनी मोटी है, हाँ पट्टी देखे 2.5 इंच से भी ऊपर की आ रही है, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी साइड टेबलों पे, ठीक है, ठीक है, डबल शीट ट्रिपल शीट, ठीक है, ठीक है जी, 3 शीटों का वर्क हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमारी आ गई ज्वेलरी ट्रे, जो हमारा कॉमन आइटम है, सही है, ठीक है। अच्छा एक और देखे छोटी दराज, इस पे भी ट्रिपल शीट का वर्क किया हुआ है, ठीक है, डबल शीट ट्रिपल शीट, सही है। अच्छा ये डबल शीट से भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस पे जाफरी आ जाती है, सही है। अच्छा ये ज्वेलरी तो आ गई, ये देखें जबरदस्त, इसके अंदर आपने जो है ऊपर ज्वेलरी का छोटा मोटा सामान जो है वो भी आप रख जी, इसके अंदर जो भी चाहे जिसकी जो कुछ भी रख लें, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा राहिल भाई इसकी मैं सेटी दिखाऊं आपको, सेटी भी बड़ी जबरदस्त बनाई है इसकी जी। सेटी में देखे हमने सीएनसी जाफरी का काम किया हुआ है, ठीक है, फुटबोर्ड भी यही है, हाँ फुटबोर्ड भी यही है और यही स्टोरेज सेटी भी है, ठीक है, मतलब ये बेड के साथ ज्वाइन हुई भी है जी, बेड के साथ ज्वाइन हुई भी है, बेड के साथ ज्वाइन हुई भी है। और सबसे अहम चीज ना, सबसे अहम चीज मैं आपको ये दिखाऊं, देखे काली हमने जो है ऐसा नहीं कि एक सिरान पे डिजाइन दे दिया, ठीक है, डिजाइन के हिसाब से जो ना हर जगह डिजाइन लेके चल रहे होते हैं, सही है, डिजाइन के हिसाब से हर जगह डिजाइन लेके चल रहे होते हैं। और सेटी देखे आप माशाल्लाह कितनी स्टोरेज दी है सेटी में, सही, हाइड्रोलिक कब्जे प्लस जी, हाइड्रोलिक कब्जे है, कुशन देखे कितना मोटा है,
स्टोरेज बॉक्स है, ठीक है, स्टोरेज बॉक्स है। इसके अलावा एक और स्टोरेज बॉक्स दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, राहुल भाई दूसरी साइड टेबल दिखाऊं मैं आपको जी। ये देखें, एक डोज सही है, स्लाइडिंग टॉप, दूसरी डोज जूली ट्रे। ये समझ लो इतनी साइड टेबल में चार दरवाजों का सिस्टम आ गया, इतनी सी साइड टेबल में चार दरवाजों का सिस्टम आ गया। और ये तो माशाल्लाह आप जानते ही हैं कि हमारा ये ज्वेलरी बॉक्स जो है माशाल्लाह काफी कामयाब हुआ है, और कितना कामयाब हुआ है, लोग बोल बोल के लेके आ रहे हैं। अच्छा समीर भाई, ये तो हमने बैक साइड अपना दिखा दिया जी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि अभी तो ये सीढ़ी है ज्वाइंट इसके साथ, ठीक है, अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो कि सीटी अलग से चाहिए हमें, फुटबोर्ड यानी कि बैक का अलग हो और बाकी ये सीटी अलग से हो, तो इसमें पैसे बढ़ जाते हैं जी। राहुल भाई देखिए ना, जब ये सीटी अलग होगी जी तो जाहिर हमको एक पैटियाना बनाना पड़ेगा, सही है। अभी जो हम पैसे बताएंगे ना वीडियो में अपने व्यूअर्स को, इसके साथ बताएंगे। अगर कोई कस्टमर सेटी अलग करना चाहता है तो उसके फिर अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। कितने हो जाते हैं कम से कम भी, अगर चार्जेस बढ़ते हैं तो कितने बढ़ जाते हैं? देखिए ये डबल शीट का काम है, इसमें कम से कम जो ना अलग से सेटी करवाने में जो है 10,000 रुपए प्लस होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसमें सेटी माइनस करते हैं जी, माइनस करते तो 5,000 रुपए का फर्क आता है। अब इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह ये कि 10,000 रुपए की पूरी एक सेटी है, ठीक है, 10,000 रुपए की पूरी एक सेटी है, सही है। अब हम इसमें से सेटी हटा के पैतियाना दे रहे हैं, सही, तो 5 इधर चलेगा 5 उधर चलेगा, सही सही है, सही सही है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है वो क्या दिखा रहे हैं आप हमें, इसकी अलमारी दिखा दें। हाँ, पहले तो मैं आपको इसका स्टोरेज बॉक्स दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा पहले स्टोरेज बॉक्स। हाँ, मैं इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स बनाया जो हमारा कॉमन है, जो हमारा बहुत चल रहा है माशाल्लाह, इतना चल रहा है स्टोरेज बॉक्स के हर आर्डर में स्टोरेज बॉक्स है, हर आर्डर में स्टोरेज बॉक्स है। तो चलते हैं फिर स्टोरेज बॉक्स की तरफ, ठीक है। राहुल भाई आपने बेड तो देखे, आप माशाल्लाह इसकी स्टोरेज देखें, ठीक है जी। ये स्टोरेज आप देख ले कि कहां से हम स्टोरेज लेके चले थे और कहां कहां तक पहुंच गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, एक कैबिनेट, दूसरा, तीसरा, ठीक है जी, तीन तीन खाने ये बने हुए हैं कैबिनेट, नीचे समझ लो पूरी एक अलमारी है। अच्छा पूरी एक अलमारी है। और ये देखें, बेफिक्र होगी। अच्छा दूसरी बात ये कि राहुल भाई तीन खाने वो हैं, तीन खाने ये हैं, उधर के भी मैं दिखाऊं आपको जी। अच्छा ये कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है जी, कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये छह खाने वाला बनाना चाहे छह खाने वाला, और चार खाने वाला बनाना चाहे चार खाने वाला, ठीक है जी, सही है। छह खाने वाला बनाना चाहे छह खाने वाला, चार खाने वाला, तो यही रहेगा साइज, ये बना ले। हाँ क्योंकि पिछली वीडियो में हमारे गले में चार खाने वाले, सही है। अच्छा छह खाने वाले भी हैं। अच्छा अच्छा इसका कलर ना, कलर इसका कलर अभी थोड़ा आपको चेंज नजर आ रहा होगा, सही है। ब्लैक कलर का बेड और अंदर ग्रे कलर जी। अच्छा इसके ब्लैक कलर के ही बॉक्स बनेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के ही बॉक्स बनेंगे, वो जो है ऊपर रखे हुए, क्योंकि हमारे तो हर बेडरूम सेट के साथ बॉक्स चलने, हर बेडरूम सेट के साथ चलने बॉक्स, ठीक है, तो ब्लैक कलर के ही बॉक्स बनेंगे। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि चार खाने वाला बनवाना है चार खाने वाला, छह खाने वाला बनवाना है छह खाने वाला। छह खाने से ज्यादा बनाना बेवकूफी है, क्योंकि फिर खाने बहुत छोटे छोटे आएंगे, फिर स्टोरेज का मकसद जो बेड के नीचे है वो फोत होता है, सही है। क्योंकि चार खाने वाले अभी हम यूं कहते हैं कि बड़ी बड़ी अटैचियां भी आए हैं उसमें। अच्छा सही है, लेकिन उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह पल्ले लगाएंगे, इसके ऊपर भी पल्ले लगाएंगे। इसमें हमने बेडरूम सेट में इजाफा पल्लों का करा, एक्रेलिक शीट का करा, सेटी का करा और डिवाइडर का किया, डिवाइडर का करा, सही, ठीक है राहुल भाई, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, अब आगे हम जो है वो अपना बाकी चीजों की तरफ, ठीक है। अच्छा राहुल भाई माशाल्लाह आपने स्टोरेज बॉक्स तो देख लिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी अलमारी की तरफ, ठीक है, इसकी अलमारी की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए राहुल भाई ये अलमारी हमने बनाई है, सही है, ये अलमारी भी पूरी डबल पल्ले पे है, ठीक है, और ये अलमारी के अंदर की लोकेशन है, ठीक है। आप इसकी शेल्फ पे देखें, शेल्फ पे डबल टक्कर वाली शेल्फ है, सही है, डबल टक्कर वाली शेल्फ पे है, ठीक है। एक खाना, दो खाना, तीसरा खाना, ये दराज आ गई इसपे, ठीक है, ये दराज आ गई। अच्छा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर कस्टमर कोई चाहता है जी, ठीक है, इसमें हमने डबल दराज नहीं दी, नहीं है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई डबल दराज इसपे करते तो हम
कर देंगे पैसे बढ़ेंगे? नहीं, कोई नहीं बढ़ेंगे। अगर कस्टमर एक दराज डबल करवाता है तो कोई एक दराज डबल करवा सकता है वो हमारी तरफ से। ठीक है, ठीक है। अच्छा रेलवे, इसका मैं आपको बीच का खाना दिखाऊं। देखे दो जो है वो स्लाइडिंग है, बीच का खुलने वाला, बीच का खुलने वाला। अच्छा एक चीज मैंने आपको दिखाना भूल गया, ये देखे मतलब ये कि ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है पीछे से जाके। सही है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये हमारा बीच का खाना, ये शिल्पों का खाना आ गया। इस पे हमने शीशे का काम किया हुआ है, आईने का काम किया हुआ है, ठीक है। और ये हमने हैंगर का खाना दिया इस पे, ठीक है। आप अपना हैंगर का रेक कर सकते हैं, और इसपे भी कब्जे जो है हाइड्रोलिक लगा है। अच्छा सही, और स्टील का जो है स्टील का हैंगर लगाया है। अच्छा व्यूअर्स, हमारे ये जितना ज्यादा इसकी थिकनेस का पल्ला आप ये देख रहे हैं, नॉर्मली मार्केट्स के अंदर वो पौने के ऊपर पल्ले बने हुए होते हैं जिसकी मियाद इतनी ज्यादा नहीं होती। ये मोटी शीट पे और भारी और वजनी फर्नीचर है। आप इस तरह से एक स्टोरेज बॉक्स ही उठाने जाएंगे, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि कितना भारी ये फर्नीचर बना हुआ है। अच्छा राहुल भाई देखें, अच्छा इसमें हमने दो दराजे बताई है, ठीक है जी। आप ये देखें दराजे देखें, माशाल्लाह। इधर से दिखाओ, इधर से करीब से दिखाओगे ना तो फिर पता चलेगा कि कितनी मोटी शीट है ये। जी एक शीट, दो शीट, नीचे भी शीट लगी है। अच्छा। ये डबल शीट हो गई, नीचे भी शीट लगाई हुई है। सही है, यानी तीन शीटों का काम है ये। सही है, तीन शीटों का काम है। इस पे हमने दो दराजे दिए भाई। सही है, ठीक है। एक दराज ये आ गई, एक दराज ये आ गई। सही है, दो दराजे आ गए भाई। ये हमारा बीच का पल्ला है। अच्छा ये अलमारी जो है इस तरीके से भी बन सकती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। सही है, जो आजकल हमारी चल रही है ना दो पल्ले की स्लाइडिंग, वैसी भी बन सकती है। उसमें कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा साइज यही होगा ना, साइज यही होगा। सही। अच्छा इसके बाद तीसरा पल्ला हमारा, तीसरा देखिए, तीसरा पल्ला भी इसी तरीके का है। सही है, ठीक है। एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल ड्रॉस के साथ, ठीक है। अच्छा भाई मैं एक चीज और बताऊं मैं आपको, आए देखें हमारा इधर भी जो है ट्रिपल शीटों में काम हुआ हुआ। सही है, ठीक है जी। एक शीट, दो शीट, तीसरी शीट। सही है, ठीक है जी। ट्रिपल शीट में काम हुआ हुआ है। वेट अगर आप अलमारी के ऊपर ज्यादा रख भी देते हैं तो शायद ये कहीं जाएगी नहीं। वेट क्या रख देते हैं भाई, इसके ऊपर बॉक्स भी है। अच्छा इसके साथ बॉक्स ऐड है? जी इसके साथ बॉक्स भी ऐड है। वो मतलब जगह हैवी, हाँ जगह की तंगी की वजह से ना इसके ऊपर बॉक्स नहीं रखे। मैं भी आपको इसके बॉक्स दिखाता हूँ। अच्छा अलमारी, हाँ बॉक्स भी इसके बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वही जो हमारी पिछली वीडियो, हाँ ये पिछली वीडियो की तरह का है लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आए, लेकिन मैं आपको इसके बॉक्स दिखाता हूँ। आए जी, इसके बॉक्सेस भी मुझे याद आएगा भाई। देखिए राहुल भाई, ये इसके ऊपर बॉक्स है, ठीक है जी। ये बॉक्स है लेकिन ये आधा हिस्सा है। अच्छा ये दो है इस तरह, हाँ, पूरी अलमारी पे दो आएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर की लोकेशन देखिए आप, एक दो। सही है, ये भी देखें। अच्छा ये सिस्टम हमने क्यों कर रखा है, इस सिस्टम को थोड़ा तवज्जो दें। ये सिस्टम हमने यूं कर रखा है, कोई छोटी छोटी चीजें तो दो हिस्सों में लग जाए। सही है, अगर चीजें ज्यादा है बड़ी है नहीं आ रही इसको हटाए और लग। सही मतलब फोल्डिंग शेल्फ बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है मकसद। सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा भी इसका ऐसे ही? हाँ दूसरा भी इसका ऐसे ही है। सही है, ठीक है। दूसरा भी इसका फोल्डिंग शेल्फ के साथ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं हमको, एक दफा सर मार देना सर, ठीक है। सही है, अच्छा ये जो है हमारे, ये आधी अलमारी का जो है हिस्सा है। सही है, ऐसे ऐसे दो खाने वाला डब्बा एक और है। ये अच्छा, जो हम अभी प्राइस बताएंगे उसमें दो इंक्लूड होंगे। ये पूरा इस अलमारी के ऊपर आएगा। मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बताता चलूं, जी ये जो हम पुरानी वीडियो की बात कर रहे हैं कि पुरानी वीडियोस के अंदर जो है वो हमने आपको जो फर्नीचर दिखाया था वो ये कलर था, ये हमारे व्यूअर्स को सामने से दिखाया वो ये कलर था, जिसके ऑर्डर बेताशा। इसके बाद इसका बेड हमारे व्यूअर्स को आगे जाके साइड टेबल दिखाएं ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। तो आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा ये अलमारी आ गई, अब इसके साथ डिवाइडर की तरफ जो है वो चले। अच्छा रॉयल वे इसका थोड़ा डिवाइडर भी हमने चेंज बनाया है, ठीक है जी। ये तो देखें हमने आके आपको पहले ही बताया कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट में भी काम कर देते हैं। जहाँ जहाँ पैसे नहीं बढ़ने होते वहाँ नहीं बढ़ाते हैं, जहाँ बढ़ने होते तो वहाँ हमारी मजबूरी है। अच्छा पहले जो हमने बनाया ये डिवाइडर उसमें नहीं दिया, चेस्टर था, जी एलईडी चेस्टर था, ठीक है जी। ये डिवाइडर आ गया, ठीक है।
ठीक है जी, पूछ भी रहे थे डिवाइडर का जी, उस पर डिवाइडर नहीं है, लेकिन ऐसा होगा, होगा तो, होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन ये एक दराज आ गई। अच्छा, दराज भी इंक्लूड हो, ठीक है जी, ये एक कैबिनेट आ गया, कैबिनेट आ गया, आप पल्ला देखे कितना मोटा है, नहीं नहीं यार पल्ला तो वाकई में जानदार है, ये कैबिनेट आ गया एक डॉस, ठीक है जी, ये देखिए बाकी ये तीनों इसी तरह है, ये दूसरा खाना, ये दूसरी डॉस, ठीक है जी, ये खाना, मतलब ये कि तीन डिनर सेट इसमें आराम से आ जाएंगे जी। और साइज इसका सर 6 फीट साढ़े कितना होता है, 6x6 ये देखिए हम कहते हैं 6x6 ठीक है, ठीक है 6x6 कहते हैं, अगर 2 इंच ऊपर है 3 इंच ऊपर है वो मसला नहीं, 6x6 का हम साइज सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है, देखें ये बात भी वो आती है 6x6.5 निकल नहीं रहा, 6.5 निकलना होता है 6.5 में 2 इंच कम, तो हम डायरेक्ट 6x6 नाम लेते हैं, सही है, सही है, अच्छी बात है, 6x6 नाम लेते हैं हम। अच्छा हमारी पिछली वीडियो में ना, पिछली वीडियो में था ये चेस्टर, एलईडी चेस्टर, अभी हमने इस पर डिवाइडर शामिल करा है, ठीक है। अच्छा राहुल भाई, मैं आपको इसकी ड्रेसिंग दिखाऊं, ड्रेसिंग भी बड़ी यूनिक बनी हुई है इसकी, ड्रेसिंग भी दिखा दीजिएगा सर। राहुल भाई माशाल्लाह ड्रेसिंग बनाई है, ठीक है, ड्रेसिंग में आप दरवाजे देखें और गुंजाइश देखें। अच्छा जो हमारा इसका पिछला कलर था उसमें शायद हमने 9 दरवाजे बनाई हुई थी जी, इसके अंदर आपने कैबिनेट भी ऐड करा, 5 दरवाजे हैं और 2 कैबिनेट है। अच्छा 5 दरवाजे हैं 2 कैबिनेट है, मैं शुरू करता हूँ ज्वेलरी बॉक्स के साथ, ठीक है जी, ये देखिए हमारा ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये आईने का वर्क हो गया, ठीक है, और ये जाफरी का काम एक्रेलिक के साथ, ये एक्रेलिक की शीट जो है भाई महंगी है, स्टेम 8-8.5 हजार रुपए की चल रही है, बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा ये हमने अंदर मेकअप रखने का सामान रखा है, ठीक है। अच्छा ये दराजे आ गई, दराजे दिखाए, दराजे राहुल भाई ट्रिपल शीट का काम हुआ है, ट्रिपल जी, और ये चौथी दराज और ये पांचवी दराज, सही है। अच्छा तमाम दराजों में हमारी गोली चैनल लगी हुई है, मतलब अच्छी वाली, अच्छी वाली चैनल, गोली चैनल। अच्छा राहुल भाई एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, देखे खाली हमने एक जगह पे एक्रेलिक का काम नहीं करा, 1-2-3 जी, 1-2-3। अच्छा ये कैबिनेट जो बनाए, ये मैं आपको बता दूं कैबिनेट क्यों आए, रिक्वायरमेंट पे ये बने हैं कैबिनेट, ठीक है जी। एक कैबिनेट ये हो गया, एक कैबिनेट ये हो गया। अच्छा एक चीज हम इस बेडरूम सेट में दिखाना ही भूल गए, पाए सर बताए, शीशम के जी, शीशम के पाए, सही है, शीशम के पाए, और सबसे ज्यादा बेडरूम से चल भी इसी वजह से था, पायो की वजह से, क्योंकि लेडीज अक्सर झाड़ू इजीली निकाल देती है, क्योंकि अक्सर लेडीज को यही परेशानी होती है कि अलमारी के नीचे से कचरा नहीं निकलता, तो इसके हमने पाए जो ना बड़े मजबूत और शीशम के पाए दिए, ठीक है, ऊपर के लुक के तरफ। हाँ राहुल भाई देखिए हमने इस पर आईना लगाया है, ठीक है जी, सोने की शीट पे लगा भाई। अच्छा एलईडी का काम किया हुआ है, सही है, ठीक है, एलईडी की लाइट लगाई हुई, ये एलईडी लाइट लगाई हुई है, ऊपर आपने फोकस लाइट भी लगा दी है, सही है। इस टाइम ये ड्रेसिंग भी माशाल्लाह ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है, क्योंकि ये तो आपको पता ही, हमारी वीडियो कैसी वायरल हुई है, ये तो आपका अंदाजा हो गया कि ये बेडरूम सेट हमारा कैसा वायरल हुआ है। और ऐसा नहीं है सर, माशाल्लाह से यूट्यूब पे तो वायरल है ही, फेसबुक के ऊपर 1 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं, माशाल्लाह 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। हमारे पास इसके ऑर्डर इतने कि बहुत से कस्टमर को तो हमने ये बोला था कि करीब करीब के ऑर्डर लग गए थे, तो यहाँ पर टाइम बढ़ा है, बिल्कुल, ठीक है जी, कितने ऑर्डर उस वजह से चले गए जो बहुत करीब का टाइम लग जाता है, ठीक है, खाली ऑर्डर नहीं पकड़ लेना राहुल भाई, कस्टमर देनी है, कस्टमर को माल भी देना है, भी करना है, अभी कोई ऑर्डर पकड़ते हैं ऐसा पूरा ना कर पाए वो वाली बात है, सही। अच्छा इसके अंदर ये आपने एक रोटेटिंग मिरर वाला स्टोरेज बॉक्स, वो ब्यूटी बॉक्स जबरदस्त। तो तनवीर भाई आपने, हमने 4 पीस तो अपने व्यूअर्स को दिखा दी हैं, ठीक है, अब इधर आ जाए और प्राइस की जरा बात कर लेते हैं, कि उस वीडियो के रेट से 1,75,000 रुपए जो कि हमारी पुरानी वीडियो थी जी। और उसके अंदर जो है वो डिवाइडर नहीं था, एलईडी चेस्टर था, ठीक है, आज जो है वो हमने इसके अंदर एडिशन कर दी है डिवाइडर, ठीक है उसके अंदर जो है वो एक्रेलिक का वर्क नहीं हुआ हुआ था, जाफरी का काम था, पीछे सफेद शीट लगी हुई थी, ठीक है,
इसके अंदर हमने एक्रेलिक का काम ऐड कर दिया है, उसके अंदर आई थिंक सेठी भी नहीं थी, सेठी भी नहीं थी, सेठी नहीं थी उसमें, नहीं इसके अंदर हमने सेठी भी ऐड कर दी। अच्छा, उसके अंदर स्टोरेज बॉक्स के ऊपर पल्ले भी नहीं थे। अच्छा, पल्ले भी नहीं थे जी, इस पे पल्ले भी हैं, पल्ले भी हैं। ठीक है, हमने हम जो ना अपने काम को जिद्दत की तरफ लेके जाते जा रहे हैं, भले पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर ले रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर मांग रहा है, जो हम जिद्दत पैदा कर रहे हैं, जो हम इजाफा कर रहे हैं तो कस्टमर उसको जो है कबूल कर रहा है, मान रहा है। नहीं भाई, पहले तो हर बंदे को ये चीज समझनी चाहिए कि मुल्क भर में जो है वो महंगाई बढ़ी हुई है भाई, उस हिसाब से डॉलर पॉन्ड्स के रेट बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हर चीज पे रेट बढ़ेगा। रेलवे जो है एक तो महंगाई होती है ना, देखिए एक चीज महंगी हो रही है जी, एक चीज महंगी हो रही है बंदा महंगी खरीद लेगा जी, ठीक है जी, एक दफा होगा महंगी खरीदा, एक चीज मिली नहीं रही महंगी होने के बाद, बिल्कुल एक चीज मिली नहीं रही महंगी होने के बाद फिलहाल ये हाल हुआ इस टाइम हर चीज का, हर चीज का ये हाल हुआ हुआ। तो तस्वीर भाई, अब इसके मुझे रेट्स बता दीजिएगा कि अच्छा भाई, भाई आपने क्या रखे हैं माशाल्लाह से, बहुत सारी जिद्दत के बाद इसके रेट सब वो एक 75 अच्छा, तो नहीं होंगे। हाँ, देखिए ये रेलवे अगर मेरी निगाह में देखा जाए तो ये 4 पीस नहीं है। अच्छा, ये 4 पीस नहीं है, ये 5 पीस हो गया, 7 पीस है, 7 पीस है। अच्छा, अलमारी, अलमारी का बॉक्स दो आइटम, बेड, बेड का बॉक्स दो आइटम, सेटी 5 आइटम, डिवाइडर 6 आइटम, ड्रेसिंग 7 आइटम है, सही है। तो इसके रेट हमने लगे हैं, रखे हैं, आपके रेफरेंस से जो आएगा जी, ठीक है, आपके रेफरेंस से आएगा, इसके रेट लगे हैं हमने 2 लाख रुपए, सही है, 2 लाख रुपए इसमें रखे हैं। अच्छा, इसमें डिस्काउंट है, ठीक अच्छा है। डिस्काउंट का जो ना, डिस्काउंट का मैं कस्टमर को यही कहूंगा कि डिस्काउंट का जो ना टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी वो खत्म हो सकता है, वजह ये है हमारी ये कोशिश हमारी है कि हमारी दुकान पे कस्टमर आए, हम उसको जाने ना दें, लेकिन हम मजबूर हैं कि अगर पीछे से रेटों की आवाज आती है तो हमें आगे रेट बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज की और मैं इजाफा करूंगा, अगर कोई कस्टमर ये एक्रेलिक हटा के लेमिनेशन लगाना चाहता है जैसे कि ये, तो पैसे माइनस होंगे। एक दफा पीछे मुड़ के जरा दिखा दीजिएगा जी, एक्रेलिक नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर व्हाइट शीट लगी है, अगर कोई एक्रेलिक हटाना चाहता है और ये व्हाइट शीट ऐड करवाना चाहता है तो सर पैसे ना कम हो जाएंगे, और दूसरी बात है इस कलर के अलावा कोई सा भी कलर लेगा, सही है, यानी इसी जगह की एक्रेलिक चेंज कर दे, सही है, और ये शीट चेंज कर दे, इजाफी भी चेंज हो सकती है कलर, कलर चेंज होगा तो उसके कोई इजाफी पैसे नहीं है, सही है, इजाफी पैसे नहीं है। और ये चीज मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बार बार कहना चाहूंगा, जो कि थोड़ी सी हमारे कस्टमर है ना, कस्टमर नाराज होते हैं, देखिए हमारी जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है ना वो ये है, अगर कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आता है, हमने ये आइटम दिखाया, वीडियो का आइटम हमारा ये, अगर कस्टमर बोलता है मुझे 3 खाने नहीं 4 खाने नहीं हमें 5 खाने चाहिए, सही है, 3 शेल्फों की जगह 4 शेल्फे कर दो, सही है, तो हम उसको इजाफी नहीं करेंगे, सही है, कोई बात नहीं। अरे मिसाल के तौर पर ये साइज है 6 फिट का, हाँ, अब बंदा बोलता है 7 फिट का कर दो भाई, 8 फिट का, इसमें 2 मसले आते हैं, एक तो 1 फुट जो माल बढ़ रहा है, कारीगर अपनी मजदूरी ज्यादा बना रहा है, ठीक है, कारीगर बोलता है ये आउट आइटम हो गया, बिल्कुल आउट आइटम। अच्छा, कस्टमर्स पे नाराजगी का इजहार करते हैं कि आप है ना चेंजिंग पे बोलिए, चेंजिंग ये है, नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं एक वीडियो में दिखाऊँ, एक साइड पे भी हटा दूं तो कस्टमर तस्लीम कोई करेगा, तो इसलिए इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, हम अलमारी दिखा रहे हैं 6 फिट की, हम बोलेंगे बहन या भाई आप 6 फिट नहीं 5 फिट की करवा दें, आप पैसे कम करेंगे नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तो भाई जब बड़ी चीज कर रहे हैं तो पैसे तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ना शायद। अच्छा, ये भी बात कर दूं मैं थोड़ी सी, ये क्योंकि कस्टमर जो ना ये अल्फाज पकड़ लेता। अच्छा राहुल भाई, ये 6 फिट का साइज जी, कस्टमर अगर इसको 5 फिट करता ना तो इसमें पैसे कम नहीं होते, मैं वही चीज जी, क्यों कि कारीगर अपनी मजदूरी बढ़ा देता है जी, और हमारा स्क्रेप जाता है वो माल, सही, ठीक है। अच्छा, तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर शादी के दिन करीब है तो जल्द से जल्द ऑर्डर बुक कराएं, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई कस्टमर 1 महीना 1.5 महीना निकालता तो फिर आके ये ना बोले कि ये इस रेट पे दे, सही, ठीक है, समझ गया जी। तो व्यूअर्स, आपने ये जो वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए फर्नीचर वर्ल्ड हमेशा कोई ब्रांड लाता है, कोई चीज लाता है और बहुत जिद्दत के साथ हमेशा लेके आता है। ताहिर भाई आज वीडियो में नहीं है और वो मजीद अभी जो तनवीर भाई ने जो जितनी भी डिटेल्स दी, ताहिर भाई भी यही तमाम डिटेल्स देते हैं, उम्र में इनसे बड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस में भी उनसे ज़्यादा जो है ये रखते हैं, तो तजुर्बा इनका अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है उनसे। तो आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि फर्नीचर वर्ल्ड पे आप से बात बन करके आएँ,
और यहाँ पे आके अपने आइटम की सिर्फ बुकिंग करवाएं। कंप्लेन ऐसा नहीं होता कि कभी ना आए, 100 में से एक बंदे की अगर एक मिसाल के तौर पे कंप्लेन आ जाती है तो तनवीर भाई या ताहिर भाई बैठे हुए हैं उसको रिजोल्व करवाने के लिए, ना टाइम आपको इतना ज्यादा देंगे, लेकिन आपकी कंप्लेन के ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, चाहे वो 6 महीने के बाद की कंप्लेन क्यों ना हो, आपका मसला ये सॉल्व करवाएंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ। तो व्यूअर्स आए फर्नीचर वर्ल्ड करीमाबाद फर्नीचर मार्केट में मौजूद है, फर्नीचर वर्ल्ड पर आके अपने ऑर्डर को मेक कराएं और अपने नुकसान से बचें, जल्द से जल्द जो है वो बुकिंग करवाएं अपने आइटम की। और वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जो लाजमी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, और कलर की कोई कैद नहीं है, अपने हिसाब से कलर की जो है वो आप करवाते रहें, चेंजिंग वगैरह जो करवाना चाहें करवाते रहें। अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।